हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं सारे जीएफटीआई कॉलेज का कटअप बताऊंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो जीएफटीआई कॉलेज आता है वह पेक पुडुचेरी आता है। यहाँ पे आप कटअप देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएससी के लिए आपका 95.6% रहना चाहिए तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। और आईटी के लिए जो रहना चाहिए वो 96% रहना चाहिए और ईसी के लिए जो है वो 94.7% रहना चाहिए, देख सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है सीएससी के लिए 94.5% लेना चाहिए और ईसी के लिए जो है 93.9% लेना चाहिए। इसी तरह आप ओबीसी का भी कटअप देख सकते हैं, इसी तरह एससी एसटी का कटअप आप यहां का देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉलेज जो आता है वो देख सकते हैं, असम यूनिवर्सिटी आता है जो कि सिलचर में है। यहाँ का आप कटअप देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सीएससी के लिए जो है 94% चाहिए और ईसी के लिए जो है 92% लेना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएससी के लिए 93.5% लेना चाहिए और ईसी के लिए 92.2% आपका रहना चाहिए। इसी तरह एससी एसटी कैटेगरी का भी देख सकते हैं और ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट कॉलेज जो आता है वो नेहू शिलांग आता है। यहाँ का आप कटअप देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ईसी के लिए आपका जो है वो 75.9 के अप्रोक्स आपका रैंक रहना चाहिए तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। और आईटी के लिए जो है वो 68.3 के अप्रोक्स रैंक रहेगा तो आपका मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे बीई जो है वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। यहाँ पे अगर आपका 88,000 रैंक रहेगा तो यहाँ पे आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं ओबीसी के लिए जो है वो 24.3 के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए। इसी तरह देख सकते हैं आईटी के लिए जो है यहाँ पे 21.6 के लिए रैंक रहना चाहिए और बीई के लिए जो है 27.3 के रहना चाहिए। तो इसी तरह आप सभी ब्रांच का यहाँ पे देख सकते हैं कटअप। नेक्स्ट कॉलेज आता है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी तमिलनाडु। तो चलिए यहाँ का हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो ब्रांच है वो फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच है। तो फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच का हम लोग कटअप देख लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 89.3% लेना चाहिए तब आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी के लिए जो है 88% लेना चाहिए। इसी तरह एससी एसटी का और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देख सकते हैं। यहाँ पे एससी के लिए जो है 68.9% लेना चाहिए, इसी तरह एसटी के लिए 69.5 रहना चाहिए। तो चलिए वहाँ नेक्स्ट कॉलेज जो आता है वो देख सकते हैं, बीआईटी मिश्रा रांची आता है। यहाँ का आप कटअप देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सीएससी के लिए 98.5% लेना चाहिए और आईटी के लिए जो है वो 98.1 रहना चाहिए और ईसी के लिए जो है 97.5% आपको रहना चाहिए। इसी तरह एससी एसटी का भी देख सकते हैं। एसटी के लिए जो है 88.2 रहना चाहिए सीएससी के लिए और आईटी के लिए जो है 83.5 रहना चाहिए और ईसी के लिए 79.5 रहना चाहिए। इसी तरह आप सभी का देख सकते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट कॉलेज जो आता है वह गुरुकुल कंगरी विश्वविद्यालय हरिद्वार का आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कटअप सीएससी के लिए जो है अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 93% लेना चाहिए और ईसी के लिए 91% लेना चाहिए आपका। इसी तरह ओबीसी का देख सकते हैं, 91.5% लेना चाहिए सीएससी के लिए और ईसी के लिए 89% लेना चाहिए। इसी तरह एससी एसटी का भी देख सकते हैं कटअप और ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 92 रहना चाहिए सीएससी के लिए और ईसी के लिए 90% लेना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट कॉलेज जो आता है जीके सीआईटी वेस्ट बंगाल आता है। यहाँ का कटअप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच है। यहाँ का कटअप देख सकते हैं। अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 92% आपको रहना चाहिए तो अभी आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इसी तरह ओबीसी का देख सकते हैं 90%। इसी तरह देख सकते हैं एससी के लिए जो है 60% और एसटी के लिए जो है 58%। हमारा नेक्स्ट कॉलेज जो आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही। यहाँ का देख सकते हैं कार्पेट एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में यहाँ पे ब्रांच रहता है। यहाँ का जो कटअप जाता है वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 90.5 जाता है कटअप परसेंटाइल आपको रहेगा तो यहाँ पे सीट आपको अलॉट हो जाएगा। इसी तरह ओबीसी का 88 जाता है, एससी का 66, इस तरह एसटी का देख सकते हैं 70.2 जाता है कटअप। चलिए वहाँ नेक्स्ट कॉलेज का बात करते हैं, आईआईएसटी वाराणसी आता है। यहाँ का देख सकते हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे एसटीटी ब्रांच जो है वो 95.3 के पे मिलेगा आपको और ओबीसी का जो है वो 30.9 के पे मिलेगा ये ब्रांच और एससी का जो है 16.4 के पे मिलेगा और जो एसटी का है वो 7.5 के मिलेगा ब्रांच और ईडब्ल्यूएस के लिए 16.1 के मिलेगा ब्रांच ये। तो चलिए हम नेक्स्ट कॉलेज का बात करते हैं जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिलासपुर आता है। यहाँ का आप देख सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएससी के लिए आपको 93% लाना चाहिए और ईसी के लिए 91.6% लाना चाहिए और आईटी के लिए 92.2 रहना चाहिए। इसी तरह ओबीसी का देख सकते हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएससी के लिए 91.6% लाना चाहिए और ईसी के लिए 90.1 रहना चाहिए और आईटी के लिए 91 रहना चाहिए। इसी तरह एससी एसटी का देख सकते हैं, एसटी का मैं बता देता हूं, सीएससी के लिए 72.8 चाहिए और ईसी के लिए जो 71.2 चाहिए और आईटी के लिए 71.7 चाहिए।
इसी तरह आप सभी कैटेगरी का देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉलेज जो आता है वो JNU दिल्ली आता है। यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो CSC के लिए 25K के अप्रोक्स रहना चाहिए 25,000, और इसी के लिए जो है 35K के अप्रोक्स मतलब 35,000 के अप्रोक्स आपका रैंक रहेगा तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। इसी तरह OBC का देख सकते हैं 9.2K के अप्रोक्स रहेगा तो यहाँ पे CSC मिल जाएगा, और 12K के अप्रोक्स रहेगा तो EC मिल जाएगा OBC वालों के लिए। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे SC के लिए जो है 5K के अप्रोक्स रैंक रहेगा तो CSC मिल जाएगा, और यहाँ पे जो EC है 7.9K के अप्रोक्स रहेगा तो मिल जाएगा। इसी तरह देख सकते हैं यहाँ पे ST और EWS कैटेगरी का आप देख सकते हैं कट ऑफ। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉलेज का देखते हैं जो कि हमारा आता है ICT ओडिशा भुवनेश्वर में है जो ये कॉलेज। यहाँ पे आपको केमिकल ब्रांच मिलेंगे। यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपका 56.1K के अप्रोक्स रैंक है तो आपको यहाँ पे ब्रांच मिल जाएंगे केमिकल मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो है 76.4K के अप्रोक्स रहना चाहिए। इसी तरह OBC का देख सकते हैं 22.7K के अप्रोक्स आपका रैंक है तो आपको 22,500 के अप्रोक्स, तो यहाँ पे आपको केमिकल ब्रांच मिल जाएंगे मेल के लिए, और फीमेल के लिए 37.5K के अप्रोक्स रैंक रहना चाहिए। इस तरह SC ST का देख सकते हैं, ST के लिए जो है 7,000 के अप्रोक्स रैंक है, आप मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, और फीमेल के लिए जो है वो 10K के अप्रोक्स रैंक जाता है। तो चलिए वहाँ नेक्स्ट कॉलेज जो आता है वो IIT RM अहमदाबाद आता है। यहाँ का आप कट ऑफ देख सकते हैं, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 93% रहना चाहिए, और सिविल के लिए जो है 92.7 चाहिए, और इलेक्ट्रिकल के लिए 93.8% चाहिए। इसी तरह OBC का देख सकते हैं, अगर मैकेनिकल लेना है तो 91.4% चाहिए, और सिविल के लिए 91 चाहिए, और इलेक्ट्रिकल के लिए 92% लेना चाहिए। इसी तरह SC ST और EWS कैटेगरी का देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ। तो चलिए हमारा नेक्स्ट कॉलेज जो आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी औरंगाबाद। यहाँ का आप देख सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो EC के लिए जो है 93.3% आपका रहना चाहिए, और OBC है तो 91.5, और SC है तो 70.9% लेना चाहिए, और ST के लिए 72%, और EWS के लिए 73.7। तो चलिए हमारा नेक्स्ट कॉलेज जो आता है JK इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी अलाहाबाद। यहाँ का कट ऑफ देख सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो CSC के लिए 94.6% रहना चाहिए, और EC के लिए 93.3% रहना चाहिए, और OBC के लिए देख सकते हैं 92.9 रहना चाहिए, और EC के लिए 91.8% रहना चाहिए। इसी तरह SC का देख सकते हैं 73.5 रहना चाहिए CSC के लिए, और EC के लिए 71.8 रहना चाहिए। तो चलिए हमारा नेक्स्ट, इसी तरह सभी ब्रांच का देख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट कॉलेज का बात करते हैं जो कि हमारा आता है श्री महतो वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो कि जम्मू में है। यहाँ का आप कट ऑफ देख सकते हैं, अगर CSC लेना चाहते हैं अगर जनरल कैटेगरी से 93.6% लेगा तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ECE के लिए जो है 93.3% में आपको ये कॉलेज मिल जाएगा आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट कॉलेज जो आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉरेस्ट टेक्नोलॉजी हटिया में आता है। तो चलिए यहाँ का हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं ME का। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 92% आपका रहना चाहिए ME ब्रांच के लिए, और MME ब्रांच के लिए जो है वो 90.9% रहना चाहिए। इसी तरह OBC का देख सकते हैं 89.6 रहना चाहिए ME मैकेनिकल के लिए, और MME के लिए 88.8% रहना चाहिए। इसी तरह SC का देख सकते हैं 68.4 रहना चाहिए मैकेनिकल के लिए, और MME के लिए 66.6% रहना चाहिए। इसी तरह ST का भी देख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट कॉलेज का बात करते हैं जो कि हमारा CIT असम आता है। यहाँ का आप देख सकते हैं कट ऑफ, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको CSC ब्रांच में एडमिशन चाहिए तो 94.3% आपको रहेगा तो यहाँ पे एडमिशन आपको मिल जाएगा। इसी तरह ECE का देख सकते हैं 93.8% आपको ये कॉलेज लॉट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉलेज का बात करते हैं जो कि संत लोनबाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आता है। यहाँ का कटअप देख सकते हैं आप लोग, अगर आपको जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो CSC के लिए 93.8% लाना चाहिए, और ECE के लिए 92.7 रहना चाहिए। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो CSC के लिए 92.5 रहना चाहिए, और ECE के लिए 91.5 रहना चाहिए। इसी तरह देख सकते हैं SC के लिए जो है 54.3 रहना चाहिए CSC ब्रांच के लिए, और 51 रहना चाहिए ECE के लिए। इसी तरह सभी कैटेगरी का आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट कॉलेज का बात करते हैं जो कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश में आता है। तो चलिए यहाँ का बात करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो CSC के लिए आपको 94% रहना चाहिए, और ECE के लिए जो है 93.1% रहेगा तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉलेज का बात करते हैं जो कि मिजोरम यूनिवर्सिटी आता है जो कि ऐजवाल में है। यहाँ का देख सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो CSC के लिए आपको 94% लेना चाहिए, और ECE के लिए जो है 90.8% लेना चाहिए, और IT के लिए 91.8% लेना चाहिए। इसी तरह आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 70.7 चाहिए CSC के लिए, और ECE के लिए 68.7 चाहिए, और 69.7 जो चाहिए वो IT के लिए चाहिए। इसी तरह ST कैटेगरी का देख सकते हैं 70 चाहिए CSC के लिए, ECE के लिए 69.5 चाहिए, और IT के लिए 70.2 चाहिए। इसी तरह आप EWS का भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉलेज का देखते हैं जो कि हमारा आता है
यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएससी के लिए आपका जो है 20,500 का रैंक रहना चाहिए, अप्रोक्स 20.5K के अप्रोक्स रैंक रहेगा तो यह कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। इसी तरह ओबीसी का देख सकते हैं, 9.4K के अप्रोक्स रैंक रहेगा तो आपको यह कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एससी के लिए जो है वो 4.9K के अप्रोक्स रहेगा तो यह कॉलेज अलॉट हो जाएगा, और एसटी के लिए जो है वो 2.5K के अप्रोक्स रैंक रहेगा तो यह कॉलेज जो है आपको अलॉट हो जाएगा, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 4.3K के अप्रोक्स रहेगा तो यह कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपका कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम का लिंक जो है वह नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय गाइज़।